नमस्कार डॉक्टर आत्मारम पवार, वेलकम टू एनिवी पारायण 20 नंबर अध्याय 20 व्हिच इज बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग एंड योर सजेशंस रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी। टुडे वी विल टेक अ टॉपिक ऑफ कोचिंग क्लास। तो कोचिंग क्लासेस से क्या होता है और क्या होना चाहिए। देखो एनईसी पॉलिसी क्या बोलती है कोचिंग क्लासेस पे, कि 7 बार बोली है कि देयर इज नीड टू इलिमिनेट द कोचिंग क्लासेस। द कोचिंग कल्चर इज डूइंग वेरी हार्म इन इंडिया मेनली फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जामिनेशन शुड ट्राई टू रिड्यूस द नीड ऑफ कोचिंग क्लास। बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट पे भर देना चाहिए द समेटिव्स के सिवा, और नीट एग्जाम भी हमारी एनटीएच एग्जाम जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाली है, उसमें भी ये कोचिंग क्लासेस इलिमिनेट होने चाहिए। तो एनईपी में 7 बार बोला है कि कोचिंग क्लासेस बंद करना है। अभी देखते हैं बंद कैसा होता है या नहीं होता है। जब एक कॉलेज का ही टाइप कोचिंग क्लास की होता है या कोचिंग क्लास वाला ही कॉलेज निकालता है और हमें दिखता है कोचिंग क्लास वाला, मगर उसके पीछे एक अदृश्य बड़ी शक्ति होती है, तो ये कोचिंग क्लास कभी भी बंद नहीं होगा। लगे तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट उनका क्लास भी ले ले। तो ये आज की फैक्ट है, और इसलिए IQ इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय MI। AI तो मालूम है हमें, मैं बोलता हूं MI, मैकेनिस्टिक इंटेलिजेंट है, मैकेनिस्टिक इंटेलिजेंट। समझता नहीं तो रट्टा मार प्रैक्टिस कर और कोचिंग पास में मार्क्स कमा, क्योंकि मार्क्स कमाने के लिए कोचिंग क्लास है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, हर जगह वही होता रहेगा कि लोग एडमिशन, स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन लेते हैं गांव में, कोचिंग क्लास होता है सिटी में। तो पूरा साल भर पढ़ना सिटी में और एग्जाम देने के लिए जाना गांव में। गांव में इतना एडमिशन हुआ है कि उनका टीचर और स्टूडेंट का रेशियो गड़बड़ गया है। उनके पास उतनी क्लासरूम नहीं है, बेंच नहीं है, उतनी बिल्डिंग नहीं है, मगर उतने एडमिशन है। क्यों एडमिशन है? क्योंकि एग्जाम के टाइम वो फायदेमंद रहता है। गांव का एग्जाम इतना सक्सेस एग्जामिनेशन फॉर्मूला मैंने टर्म बनाया है, उधर जाओ मजा करो, गांव में इतना कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या है कि हमें मार्क चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें स्किल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, हमें नॉलेज नहीं चाहिए, तो हमें क्या मार्क्स चाहिए। तो इसलिए आज भी हम बोलते हैं कि हमारे पास केस बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जामिनेशन नहीं होती। पढ़ाया जाता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और क्वेश्चन रहते हैं डिस्कस, डिफाइन एंड क्लासिफाई, और बड़े बड़े एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो MCQ रहते हैं वो फैक्ट बेस्ड और वैल्यू बेस्ड रहते हैं, कि गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह कब किया था, एक साल लिखो। ऐसा नहीं पूछा जाता कि गांधी जी ने सत्याग्रह नहीं करते तो क्या होता था। यही बात है हमारी और यही चलती रहेगी। तो आज कोचिंग क्लास का कल्चर क्यों है? क्योंकि इट बिकम रूटीन प्रैक्टिस। कहां से रूटीन प्रैक्टिस है? PG to PG में बोलता हूं, मीन्स प्ले ग्रुप टू PG तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक, हर एक को कोचिंग क्लास लगाना है और इजी ज्यादा मार्क्स मिलाने हैं। उसके लिए मार्क्स और मार्क्स ही एक ही एजेंडा है। नो थिंकिंग, नो स्किल डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट। पेरेंट और प्रियर प्रेशर बहुत है, उसको कितना मिला, मुझे कितना मिला, हर एक को कितना मिला, मेरे फ्रेंड को कितना मिला, तेरे मौसी के बच्चे को कितना मिला, तो ये प्रेशर है। तो मेरा बेटा बहुत बड़ा इंटेलिजेंट गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहिए, कर्तृत्व से नहीं मार्क से बनना चाहिए भाई। बिजनेस मॉडल हो गया एक क्लास, क्लास में फीस ज्यादा रहती है रेगुलर टीचिंग से, जो गवर्नमेंट टीचिंग एजुकेशन कॉलेजेस संस्थान निकालता है उससे ज्यादा पैसा आज बिजनेस मॉडल क्लास में, कोचिंग क्लास में है। आपने दिल्ली में क्या होता है, कोटा में क्या होता है, जब मॉडल है। तो इसलिए नीड टू चेंज टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी एंड असेसमेंट ऑल्सो, दोनों हम चेंज करेंगे तो NEP का जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल होगा, नहीं तो हमारे हर बच्चा क्या रहेगा, MI से रहेगा। AI अभी आ रहा है, मगर MI मैकेनिस्टिक इंटेलिजेंट, रट्टा मारा उतना ही मालूम है, बाद में हम भूल जाएंगे। तो ऐसा चला रहेगा तो हमारा क्या होगा? तो लोगों को अच्छा लगता है, देखो यहाँ सुशील कुमार है, सुशील कुमार उत्तर प्रदेश से, वो बोलते हैं कि हमारे स्टाफ को आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन हो रहा है। यहाँ देखो विशाल है, हमारे सिंहगढ़ कॉलेज, नवले कॉलेज से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड
एजुकेशन जो आपने प्रपोज किया उसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बीफार्म में फार्मेसी में फोकस नहीं है एजुकेशन का, इसलिए फोकस आ जाएगा। और एक गुरु समान पीडी सेठ सर है, फार्मा प्रोफेशनल है, वो लिखते हैं यू हैव नाइसली सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द एनईपी विल बी द गेम चेंजर। थैंक यू, ऐसा ही देखते जाओ।